अजमाल में टिकटों की रीसेलिंग के मामले नहीं थम रहे हैं। अवैध गाइड और ठग टिकटों की रीसेलिंग कर रहे हैं। रीसेलिंग करने वालों पर कार्रवाई के लिए टीम बनाई गई है। बीते 5 महीने में 175 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हालांकि इसको रोकने की जो कवायदे हैं वो चल रही हैं, लेकिन मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ताजमहल में टिकटों को रीसेल कर रहे हैं कुछ लोग, अवैध गाइड और ठग टिकटों को फिर से बेच देते हैं, पुराने टिकटों को लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। बीते 5 महीने में 175 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस ताजमहल पे टिकट रीसेलिंग के दो मामले पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं। दोनों पे पर्यटन पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें मामला ये होता है कि ताजमहल पे जो टिकट काउंटर हैं वहाँ पे कम विंडोज़ खुलने और इंटरनेट की व्यवस्था सही ना होने के कारण कई बार पर्यटकों को समस्या होती है, जिसका फ़ायदा कुछ लोग उठाते हैं। इस ताजमहल पे पर्यटकों को फर्जी या पहले बिके हुए टिकट बेचते हैं। इसके लिए हमने एक टास्क फोर्स बना लिया पर्यटन पुलिस में। एटा में कोर्ट के बाहर पत्नी ने पति को चप्पलों से पीट दिया। दोनों के बीच कोर्ट में विवाद चल रहा था। पत्नी ने पति पर समझौते का दबाव बनाया और पति के मना करने पर पत्नी ने उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। तो एटा के कोर्ट के बाहर देखिए तस्वीर है एटा की, जहां पर मारपीट हुई। पति को चप्पलों से विवाद चल रहा था। पत्नी ने पति पर समझौते का दबाव बनाया, लेकिन पति के मना करने पर पत्नी उसकी जमकर चप्पलों से पिटाई कर। और चलिए बात करते हैं लव जिहाद की, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। पुरोला में महापंचायत को लेकर धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन ने 15 जून को होने वाली महापंचायत को अनुमति नहीं दी है। महापंचायत को लेकर पुलिस फोर्स तैनात की गई है कि अगर कोई महापंचायत इसके बाद भी करने की कोशिश करता है तो उसे रोका जाएगा। हिंदू संगठनों ने महापंचायत का ऐलान किया है और डीजीपी की तरफ से अपील की गई है कि लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखें, क्योंकि जिस तरीके से लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में 15 जून को महापंचायत बुलाई जा रही थी, इसको लेकर धारा 144 लागू की गई है और प्रशासन ने इस महापंचायत को अनुमति नहीं दी। इस तरह से सजग है, सतर्क है, कानून व्यवस्था बनाए रखने हैं तो जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। किसी को भी शांति भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरी सभी पक्षों से अपील है कि कृपया करके शांति बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि लोग संयम से काम। सभी लोगों से कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है, किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा। भावना बनी रहे इस काम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने उस दिशा में सख्ती निर्देश दिए हैं, किसी प्रकार की पंचायत ना हो, आखिरकार संपूर्ण सौहार्द का वातावरण बना रहे। लेकिन ये भी सच है, जब से जबरन धर्मांतरण कानून आया है कुछ लोग जो इसको पचा नहीं पा रहे, ऐसे लोगों द्वारा इस प्रकार कृत्य के लिए कुछ लोगों को भेजा गया है और जो यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। आखिर उत्तरकाशी हुआ, गोचर के अंदर चमोली जनपद हुआ, तो ऐसे लोगों को, समाज के लोगों को सामने लाना पड़ेगा। समाज भी प्रयास करे और आखिरकार उन लोगों को सजा मिले, इस दिशा में उस समाज की भी एक प्रकार से भागीदारी बने। और ऐसे लोग बक्से तो जाएंगे नहीं, तो समाज में जब इस प्रकार की विकृतियाँ खड़ी होती हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।